रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से क्या हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चार्टर एक्ट 1813 से क्या हुआ था, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से क्या हुआ था, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट 1784, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया चार्टर एक्ट 1813, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल चार्टर एक्ट 1833। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टी रेफर्स टू डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टी रेफर्स टू डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। अंडर विच एक्ट डायरेक्टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल, कौन से एक्ट से डायरेक्टी को सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच एक्ट सेटअप डायरेक्टी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्या बात सही है, हाँ। द एक्ट एम्बडीड रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन द रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टग्यू एंड द वाइसरी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। The Act embodied the reforms recommended in the report of Secretary of State for India, Edwin Montagu and Viceroy Lord Chelmsford. सही बात है। Government of India Act 1919 provided for the introduction of a dual form of government at provinces known as Diarchy. Government of India Act 1919 provided for the introduction of dual form of government at provinces known as Diarchy. The subjects of administration were divided into two categories, reserved and transferred. The administration का जो subjects है वो दो categories में divide किया गया, कौन सा, reserved और transferred. As far as the question of a separate electoral system for Muslims is concerned, the provision had already been made by the Act 1909. The Government of India Act 1919 continued this provision and also extended it to for Sikhs, Europeans, Indian Christians and Anglo-Indians. क्या ये बात सही है, हाँ। As far as the question of a separate electorate system for Muslims is concerned, the provision had already been made by the Act 1909. The Government of India Act 1919 continued this provision and also extended it for Sikhs, Europeans, Indian Christians and Anglo-Indians. Montagu Chelmsford reforms of 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21. Kya baat sahi hai? Yes. Montagu Chelmsford reforms of 1919 recommended granting voting rights to all the women of above the age 21. Government of India Act 1935 gave women reserved seats in legislature. Sahi baat hai. Government of India Act 1935 gave women reserved seats in legislature. Government of India Act 1919 provided for a separate examination for the Indian Civil Service which was to be held in India. Kya baat sahi hai? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द सिविल सर्विस विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। इन द इंडियन सिविल सर्विस इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वेयर मोर एज कम्पेयर टू यूरोपियंस। कई बात सही है, हाँ। इन द इंडियन सिविल सर्विस इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वॉज मोर एज कम्पेयर टू द यूरोपियंस। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कौन सा एक्ट लेके आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर 1919। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज रेलिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, चार्टर एक्ट 1833। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, चार्टर एक्ट 1833। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच प्लान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The distribution of power between center and states as in the Constitution of India is based on which plan? Government of India Act 1935. A federal system and diarchy at the center was introduced in India by the Act of 1935. A federal system and diarchy at the center was introduced in India by Act of 1935. The provision for establishment of All India Federation was included in Government of India Act 1935. Which act provided for a federal polity in India, Government of India Act 1935.
विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल पॉलिटी इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडुअरी पावर्स वेर गिवन टू गवर्नर जनरल इन फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडुअरी पावर्स वेर गिवन टू गवर्नर जनरल इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडुअरी पावर्स वेर गिवन टू गवर्नर जनरल प्रोविजन फॉर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री वॉज नॉट मैंशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या ये बात सही है हाँ डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज वॉट इज नोन एज ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंकर्ड दैट द फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियंस देमसेल्व्स सही बात है इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश Cabinet came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II. क्या ये बात सही है हाँ बिल्कुल सही है In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of the British cabinet, came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II. क्या ये बात सही है हाँ बिल्कुल सही है See you in the next video. Till then, bye.